कल रजा रबानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेट में उन्होंने ये कहा कि जी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। तो आपको याद होगा अप्रैल में सेनेट में जब ये बात उठाई गई तो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा जी जो वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो उसको बेइज्जती कॉन्फ्रेंस कहूंगी, जो वो बेइज्जती कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बाद हम बताएंगे कि TORs क्या हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है, उस कॉन्फ्रेंस को गुजरे हुए बेइज्जती कराए हुए भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, आज तक हमें TORs नहीं पता, लेकिन हम उसका हिस्सा हैं। कि किस मुल्क में होता है कि इतना बड़ा आप फैसला कर लें जो एक तरह से आपकी मुल्क की बका का फैसला हो सकता है, आप उस पे कहें जी हमें TORs ही नहीं पता क्या है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, हम आप बाकायदा आज से इस टॉपिक पे गुफ्तगु आगाज करेंगे और ये बहुत तवील टॉपिक है, लेकिन मैं आपको चीदा चीदा इसकी चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा नज़र है पिछले 8 साल से इस सारी मूवमेंट के ऊपर जो 8 मुल्कों के अंदर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद एलामिये जारी किए जाते हैं, तो ये कहना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि टर्म एंड रेफरेंस जो है वहाँ पे अब बनेंगे जिसके बाद कोई चीज़ होगी। भाई एक चीज़, हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है जिसके ऊपर आलमी ताकत के सरबरा ने आके वहाँ एड्रेस किया और फाइनल अपना फैसला जारी किया है। हम कहते हैं जी ट्रंप ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया, तो बड़े अच्छी बात है जी नहीं किया। ज़रा आप पाकिस्तानी कौम ये तो बताएं कि आपके अमीरुल मुस्लिमीन जो हैं शाह सलमान, उन्होंने कौन सा जिक्र कर लिया? उनकी तकरीर पे कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई ये गुफ्तगू नहीं कर रहा कि इन्होंने तकरीर क्या की। अगर मैं तकरीर के 3 हिस्से आपको आज दे के जा रहा हूँ, आगे अगले प्रोग्राम के अंदर इस पर तफसील से डिबेट करूँगा। शाह सलमान साहब कहते हैं कि जी हाँ, शाह सलमान साहब की तकरीर तो डिस्कस ही नहीं हुई ना पाकिस्तान में, मतलब ट्रंप ने तो नाम नहीं लिया, तो आपने जिनकी सारी ज़िंदगी गुलामी की 45 साल इस पाकिस्तान के अंदर, ना कोई मंसूबा खोलने दिया, ना सोना निकालने दिया, ना तेल निकालने दी, ना कोयला निकालने दिया, ना गैस निकालने दी, ना ईरान गैस पाइपलाइन बेचने दी, ना गवादर बनने दे रहे हैं, जो हमारी शिकार गायें ले गए, हमारे इदारे फ्री में ले गए, उस बादशाह ने हमारे लिए कौन सा जिक्र किया कश्मीर के लिए या पाकिस्तान के लिए? वो कहते क्या है ज़रा सुने। 1.5 अरब लोगों के नुमाइंदे इस वक्त इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्यादी हैं, मतलब अपने आप को 1.5 अरब मुसलमानों का उन्होंने मुतफिका कायद बना दिया। मैं तो उनको कायद नहीं मानता, ये नवाज शरीफ ने हमें बेच दिया ले जाकर, मैं कैसे कायद मान लूं भाई? इस तरह मैं नहीं मानता 1.5 अरब के अंदर, कम से कम मुझे तो ना गिने, क्योंकि मेरे में इखलाकी जरूरत है कि मैं इस शख्स को कायद नहीं मानता। नंबर 2, सऊदी अरब तमाम मुसलमानों का किबला है और इस्लाम का मरकज है, यह झूठ है। हिजाज पाकिस्तान पूर्णों का किबला है और हिजाज ही मुसलमानों का मुकद्दस जगह है। तुम नजद में बैठ के, रियाज का पूरा पुराना नाम नजद है, रसूल खुदा की आप निशानियों में चली जाइए, रसूल खुदा ने कहा है कि नजद से फितना उठेगा जिसकी सरबराही दज्जाल करेगा, तो दज्जाल ही तो सरबराही करके गया है। तो रियाज के पुराने नाम को जब आप नजद देखेंगी तो मुसलमानों ने नजद को भी मुकद्दस बना दिया। मैं क्यों मानूं भाई नजद को मुकद्दस? ये तो हजरत इब्राहिम के दौर से लेके आज तक ये नजद ही कहलाया है, ये तो 1917 के अंदर इन्होंने इसका नाम रियाज रखा है। मैं सिर्फ हिजाज को मोहतरम मानूंगा, सऊदी अरब को नहीं। सऊदी अरब बादशाहत का मरकज है, हिजाज के अंदर किसी की बादशाहत नहीं इलावा अल्लाह और उसके रसूल के। नंबर 3, वो अच्छा ये कहते हैं कि इंडिया में दहशतगर्दी हुई। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूं कि अगर इंडिया में दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दी का इल्जाम किस पे लगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे लगा। तो ये कहना चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 दहशतगर्दों को रिकॉग्नाइज किया गया, नंबर 1 ईरान, नंबर 2 हिजबुल्ला, नंबर 3 हमास, नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर इन्होंने ले लिया। वहां पे वजीर आजम को फौरी तौर पे खड़े होकर बायकॉट करना चाहिए था। कौम की इज्जतों का और गैरत का सौदा करने वाले अगर खुद गुलामी की जिंदगी 7 साल वहां गुजार के आए तो बादशाह के नजदीक उसकी कोई इज्जत नहीं। बादशाह तो ईद पे खाली बुला के मिला करता था, लेकिन पाकिस्तानियों की या तो नहीं, आप लोग लाते हैं ऐसे हुक्मरान तो नहीं लाए आप लोग ऐसे हुक्मरान, ना दें आप इनको वोट। हमारे पास एहसानुल्लाह एहसान से बड़ा सबूत और क्या होगा पाकिस्तान में, जो खुद कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हाँ जी इंडिया के पैसे से हमने इनको मारा है। अब ये इंडिया की तो बात छोड़े, अब नवाज शरीफ ने 80,000 कुर्बानियों का जिक्र क्यों नहीं किया ये मैं आपको बता देता हूँ। भला नवाज शरीफ का कुर्बानियों से क्या ताल्लुक है? ये तो तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती था, ये तालिबान के ये और PTI वाले तो हमदर्द रहे, ये उनके सबसे बड़े गवाह रहे, ये उनके गारंटियर रहे, इनकी तो मालियों की 7 पुश्तों में कोई लाश नहीं है। तो ये कैसे अपने जुबान से ये झूठ निकालें कि इनकी यहां लाशें तो हमने दी हैं, लाशें तो अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, लाशें तो दरूदियों ने दी हैं, लाशें तो अकलियत ने दी हैं। उनको इन्होंने कभी उनकी कब्रों पे, उनकी लाशों पे जाने की जहमत ही गवारा नहीं की। जब पाकिस्तान के
टीवी के ऊपर, नेशनल टेलीविजन के ऊपर खुलेआम दाइश की और तहरीक तालिबान की सारी जिंदगी सपोर्ट करने वाले ये दो नंबर सहाफी, ये है पाकिस्तान को जलील करने का सबसे बड़ा सबब, क्योंकि पूरी दुनिया इनके एविडेंस लेके बैठी है, इनके प्रोग्रामों के एविडेंस लेके बैठी है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, नामी गिरामी सहाफियों की तमाम वीडियो क्लिप्स को निकाल के हमारे सामने फेंकते हैं, इनके स्टेटमेंट हमारे सामने फेंकते हैं कि आप तो दाइश के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनको क्या पता कि पाकिस्तान में दो माइंडसेट है, एक कुर्बानियां दे रहा है और एक ले रहा है। नवाज शरीफ लेने वालों में से, देने वालों में से नहीं है, तो किसी देने वाले को भेज के देखिएगा, वो ट्रंप को जवाब देगा और बादशाह को बताएगा कि जितनी कुर्बानियां दी है, अगर इसकी गहराई में जाएं तो हर कुर्बानी के पीछे यही बादशाह निकलेगा। अच्छा सुने, कतर ने तो आप सुन डॉक्टर साहब, एक 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 गुफ्तगु सुन लीजिए, एक छोटी सी बात मैं पाकिस्तानियों से आज कहता हूँ, बोलिए कि हम पाकिस्तानी कौम आज मियां नवाज शरीफ से तकाजा कर, हम पाकिस्तानी कौम आज मियां नवाज शरीफ से बायसियत एक साबिक सेनेटर, मैं तकाजा करता हूँ कि आपने वहाँ तकरीर नहीं की, कोई बात नहीं, हम मानते हैं आपकी बात कि आपको मौका नहीं मिला, तो एक मेहरबानी कीजिए, ज़रा कल रात 8 बजे PTV पे आइए और वही तकरीर कीजिए जो आपने वहाँ करनी थी, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा, आपको खुली मुनाफिकत नज़र आ जाएगी। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको सब पता था कि पहले से क्या होना है क्या नहीं होना, अगर इनमें हिम्मत होती इखलाकी तो ये कतर के अमीर की तरह अपने मुल्क में पहुंचने के बाद बरियो जिम्मा करते और इन तमाम अलायंस से अपने आप को हाथ हटा देते। भाई आप ईरान के खिलाफ अलायंस की बात क्यों कर रहे हैं? ईरान को अकेला ना गिने आप, ईरान के साथ रशिया भी है, ईरान के साथ चाइना भी है। बज़ाहिर इस कॉन्फ्रेंस ने एक ग्रुप को निशाना बनाया है, एक आलमी ताकतों को निशाना बनाया है और एक कैटेगरी को निशाना बनाया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये दो वाजे ताकतें सामने आएंगी, दो कश्तियां आएंगी सामने, एक में अमेरिका, अरब, इसराइल और इंडिया होंगे और एक तरफ ईरान, रशिया और चाइना होगा। पाकिस्तान पे ये फैसले का वक्त है कि उसने कहाँ खड़े होना है। तो नवाज शरीफ साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हमारी मौजूदगी को अमरीका इसराइल के साथ खड़ा किया है, हम पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करते हैं और नवाज शरीफ साहब से कहते हैं जरा तकरीर तो करें ना, आप PTV पे आइए, यहाँ तो आपको कोई नहीं रोकता ना, अब आपने वही तकरीर करनी है जो आपने उस हॉल में करनी थी, आवाम सुनना चाहती है आपकी तकरीर। सर तकरीर हाँ बिल्कुल, आवाम सुनना चाहिए, तकरीर ना करने पे आके यहाँ तो हमें आके जरूर दिखाया गया, उतर के आगे हम सोच रहे हैं कि शायद हम इस हिस्सा इसका हिस्सा ना बने, लेकिन वो बात गई आई, कोई पता नहीं है कि क्या हुआ। सवाल यहाँ पे एक और है कि इस सिचुएशन में आज भी नासिर जंजुआ साहब की ईरानी जो सफीर हैं, आई बिलीव उनसे ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात हुई है, उसमें भी उन्होंने बावर कराया कि जी हम ईरान को साथ लेके चलेंगे, लेकिन मसला यहाँ पे है कि उनका एजेंडा तो खुल के सामने आ गया, ट्रंप का भी सामने आ गया, सऊदी फरमानवा का भी जो है वो सामने आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे में राहील शरीफ साहब जो वहाँ पे गए हुए हैं, क्या उनको वापस बुला लेना चाहिए या उनको खुद वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें उसका इस तरह हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमने एक प्रॉक्सी बड़ी मुश्किल से खत्म यहाँ पे लड़ रहे हैं, खत्म क्या अभी आज भी उसको लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँ और मैं इससे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि जब तक राहील शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, ईरान से कतन अरब्स की जंग नहीं होगी। जिस दिन वो निकल जाएंगे और वहाँ बादशाहत की जंग शुरू हो जाएगी आपस में, ये मुकाफात अमल है। वहाँ पे जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और अरब रियासतों को दहशतगर्दी का सामना, ये गलत है। अरब रियासतों को मकाफात अमल का सामना है, जो दहशतगर्द बना के उन्होंने शाम इराक में आले रसूल के रोज़ों पे और असाब रसूल के रोज़ों को मस्मार कराया और लाशें निकलवाईं कब्रों से, 1400 साल बाद हजरत हजर बिन अदी रजी अल्लाह ताला ना की लाश को साबित निकाल के उसकी बेरहमती की, ये मकाफात अमल अल्लाह ताला ने इनको पलाया। 2017 मकाफात अमल का साल है और आप देखेंगे कि ये मकाफात अमल आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, आप ये समझते हैं कि जब तक राहील शरीफ साहब इसके सरबरा हैं तब तक ईरान के खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप समझते हैं कि तो फिर मौजूदा सूरत हाल में तो मतलब ठीक है, आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस वक्त आप इसको प्रॉब्लम नहीं देख रहे, फिर पाकिस्तान की शिरकत आप तब भी इसको प्रॉब्लम देख रहे हैं या प्रॉब्लम नहीं देख रहे इसको? डॉक्टर साहब जनरल राहील शरीफ पूरी दुनिया में वाइज शख्सियत हैं, जो हमारी नज़र थी, जो हमारा हम सोच थी हमारी कि इंशाल्लाह वो यमन की जंग रुकवाएंगे, वो जिम के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक रिज़ल्ट आएगा कि यमन में जो गैर ज़रूरी फ़िज़ाई बमबारी की जा रही है, क्योंकि यमन की फ़ौज तो अभी तक दाखिल नहीं हुई सऊदी अरब में, 2 साल हो गए, 50,000 लोग वहाँ पर
جو چکے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, اس لیے کہ نہ وہاں کھیت ہے نہ دریا ہے, پورے چاروں طرف سے انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے. تو اگر اس وقت کسی مسلمان ملک میں آپ جنگ رکوانا چاہتے ہیں تو ایران ڈسکس نہ کریں, ہم نے ڈسکس کرنا ہے سعودی عرب اور یمن. اصل جنگ یہ رکوانی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ رائل شریف اس میں ضرور کامیاب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی ان سے کام لینا تھا. جس دن وہاں خارجیت آئے گی, رائل شریف صاحب ایک دن بھی وہاں نہیں رکیں گے, وہ اپنی زبان کے بہت پابند ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک رائل شریف وہاں موجود ہیں, نہ عراق سے جنگ ہوگی, نہ شام سے جنگ ہوگی, نہ ایران سے جنگ ہوگی, لیکن جس دن وہ آئیں گے اور محمد بن سلمان بادشاہت کا تخت سنبھالیں گے, عالمی جنگ ایک مہینے کے اندر شروع ہوگی پھر, اور 2018 عالمی جنگ کا سال ہے. ٹھیک ہے فیصل رضا عبدی صاحب, آپ سے باتیں بہت کرنے کو ہوتی ہیں لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیٹس ہوپ کہ ہم وہ اب فیصلے کریں جو ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہوں. ایک پروکسی ہم بھگت چکے ہیں جو عالمی پاورز نے, جو ہے یہ انٹرنیشنل پاورز نے کروائی, سعودی عرب نے, امریکہ نے, اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو ہمیں کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈلنا چاہیے جس میں آگے جا کے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تھینک یو فار واچنگ, گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ. آپ سے ملاقات ہوگی کل.